को चाहिए किसी वक्त अपनी पोजीशन दिखाए। स्टॉक माफिया जो है वो सब्जियां स्टॉक कर लेता है, जिसकी वजह से मसनू बहरान पैदा होने का खदशा है। टमाटर, लहसुन, अदरक महंगा हो चुका है, मजीद माह रमजान में और मजीद महंगा हो जाएगा। भिंडी, करेला और टिंडे की कीमतें आसमान पर, वजह पूछी तो हर दुकानदार की अपनी अपनी तावील है। सब्जी महंगा भेजा नहीं कल महंगी आनी पे के माल पीछे मिलता नहीं, लॉकडाउन की वजह तो माल है कहना पीछे महंगाई मिल रही पर सब्जी महंगी बिक रही पे। सब्जियाँ महंगी हैं, पुरानी सब्जियाँ खत्म दी गई, नवी सब्जियाँ आने पे वास्ते महंगी। दुकानदारों ने भी बता दिया की महंगाई पार्टी तो अभी शुरू हुई है, रमजान आने दे आगे आगे देखिए होता है क्या। हारूनाबाद शहर और केतुनवा में सस्ती चीनी नायाब हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली गौरी। चीनी की बुलंद कीमतों और दस्तियाबी को मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से इकदामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिनमें शुगर मिलों से मुकर्रर नरख पर चीनी फराम करने के लिए कानूनी कार्रवाई, मुकर्रर नरख पर चीनी फरोख्त न करने वालों का स्टॉक कब्जे में लेकर नलाम करना और ग्राम फरोशों के खिलाफ FIR, गिरफ्तारी और जुर्माने शामिल है। मगर फिलवकत हारूनाबाद में हुकूमती नरखों पर चीनी कहीं भी दस्तियाब नहीं, यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी का स्टॉक आने से पहले ही खत्म हो जाता है, जबकि बाजार में चीनी 90 रुपए से ऊपर फरोख्त हो रही है, जिसकी जिम्मेदार मुकामी इंतजामिया और नजायज मुनाफाखोर है। रमजान में मुबारक के लिए 25 शुबान को सुबह भर में रमजान बाजारों का आगाज कर दिया जाएगा। अगर मुकामी इंतजामिया हुकूमत की तरफ से दिए गए अहकाम पर अमल ना करवा सकी तो इन बाजारों का आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। शहरियों का कहना था कि हुकूमती इकदाम का फायदा आम आदमी तक पहुँचाने हुकूमत का असल इम्तहान है, जो की सख्त निगरानी और ईमानदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। कैमरा मैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद।